उसी समय में जो पहले सरकारें रही हैं तो उसमें उसमें जो फिगर्स हैं कि हमारे समय में बीएसपी की सरकार के समय में 1611 केसेस इस एक्ट के तहत दर्ज हुए हैं, 1611। लेकिन उससे पहले जो सेंटर का रूल था तो सेंटर के रूल में इसी समय में 1737 दर्ज हुए हैं। उससे पहले इन्होंने बताया हमारे साथी ने कि मुलायम सिंह जी का रूल था, उसी समय में जब मुलायम सिंह जी का रूल था तो उसमें 2767 तो जो केसेस है वो दर्ज हुए हैं। अगर इस किस्म के केसेस दर्ज हुए, इसी तरह से हमारे इधर साथी इधर एक नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हमारे खिलाफ ये एक्ट लगा हुआ है तो मायावती को कहकर इसको रफा दफा कराएं। अटल जी को भी उन्होंने बोला, कनौजिया जी हैं मेंबर पार्लियामेंट, मैंने उनसे कहा कि भाई मायावती ने यह एक्ट लगा दिया है, किसने लगाया है? वो कहने लगे कि वो तो मुलायम सिंह जी के जमाने में लगा था, लेकिन आपको चाहिए कि इसको रफा दफा कर दे। इसलिए मैं समझता हूं कि जो ये एक्ट का मिसयूज होता है तो मिसयूज रोकना तो ठीक बात हो सकती है, लेकिन एक्ट को खत्म करना अगर ठीक बात है तो इस सदन में ये बात उठनी चाहिए और इस सदन में ये एक्ट को रद्द करना चाहिए। लेकिन ये एक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये तो देश भर में जो एट्रोसिटीज होती हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं, क्या उनको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? हर कोई कहता है रोकना चाहिए, लेकिन जब रोकने की बात आती है, रोकने की कोशिश होती है तो लोग विरोध करते हैं, तो उसका विरोध होता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन में ऐसी ही बातें, ऐसा ही हमें एक्ट बनाने चाहिए, ऐसे ही कानून पास करने चाहिए जिनको हम लागू कर सकें। जिन कानूनों को हम लागू नहीं कर सकते तो ऐसे कानून हमें पास नहीं करने चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इस देश में डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है, बहुत बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज एक इस खेल चल रहा है इस देश में जिसमें अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है, अमीरों के नोटों से गरीबों के नोटों के साथ खिलवाड़ होता है। और मैं समझता हूं कि इसको अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो मिस्टर सेशन, तो उन्होंने उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने एक मिस्टर सेशन ने मिस्टर सेशन है तो उस किताब में ये लिखा है ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन, हार्ट फुल ऑफ बर्डन किताब लिखी है और उन्होंने इस किताब में लिखा है कि इट इज जो डेमोक्रेटिक कल्चर है इंडिया में, इट इज इन एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिके। ये डेमोक्रेसी जो है इट इज एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ डिके, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहना पड़ा है। और इसी तरह से तो उन्होंने और 1951-52 में तो जब इस देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलने वाला था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी वक्त कहा था कि भाई ये जो अगर अमीर के पैसों से अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर अमीरों की ही बात इस देश में चलेगी, पैसे वालों की ही बात चलेगी। और वही हम देख रहे हैं कि मनी माफिया और मीडिया का रोल बहुत बड़ा है, मनी माफिया और मीडिया का रोल इस देश की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रहा। तो बाबा साहब ने उस वक्त क्योंकि लोग महाभारत और रामायण के बारे में ज्यादा जानते हैं इसलिए उन्होंने कहा था कि आई वुड लाइक टू रेफर टू द महाभारत ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन द पांडवास एंड द कौरवास, भीष्म एंड द द्रोणा,
were on the side of Kauravas. Pandavas were in the right and the Kauravas was in the wrong. Bhishma admitted this. When someone asked Bhishma as to why he was supporting the Kauravas if he found the Pandavas to be in the wrong, in the right, Bhishma replied in that memorable sentence, I must be loyal to the salt. Bhishma ne kaha, I must be loyal to the salt. If I eat the food of Kauravas, I must take their side, even if they were they might be in the wrong. तो उस वक्त से 1951-52 से इस बात के बारे में हमें मालूम है कि अमीर के नोटों से गरीब के वोटों के साथ खेल खेला जाता है और हम इसको लोगों को दुनिया वालों को बताते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी है. इसलिए तो रिफॉर्म की इलेक्ट्रोल रिफॉर्म की बात बहुत चली है. अब मैंने नोट किया है कि इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के बारे में अब तो एक मिनट खत्म कर देंगे. अभी तो आखिरी में बात करके बैठ जाऊंगा. ये भी इस बात का एहसास है. तो इलेक्ट्रोल रिफॉर्म के बारे में 36 मिनट तो आपने लिया. हम लोगों ने 1972 से ये काम शुरू किया है. 1990 तक तो बहुत कमेटियां उठाई गई हैं. 1972 में राव कमेटी बिठाई गई, उसके बाद 1974 में तारकुंडे कमेटी बिठाई गई, उसके बाद में कैबिनेट कमेटियां बहुत सी बैठी 1982 में, और 1900 उसके बाद आज तक 14 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में हुए हैं. हर इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्ट्रल रिफॉर्म के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है कि ये होना चाहिए, लेकिन आज तक जो रिफॉर्म की बात हमने कही है वो आज तक हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं. हम ये करना नहीं चाहते हैं. पिछले 50 साल में इलेक्ट्रल रिफॉर्म की बात तो बहुत कही गई है, लेकिन हम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कर नहीं पाए हैं. तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर सही मायने में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना है तो हमें ये रिफॉर्म करने होंगे. और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये भी इस देश में आज तक कामयाब नहीं हुई है, आने वाले समय में कामयाब नहीं होगी. इसलिए अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक और आर्थिक दिशा में जो परिवर्तन चाहिए वो परिवर्तन करने चाहिए. और मैं समझता हूं अगर 50 साल हमने ये नहीं सोचा है तो 50 साल के बाद ये पूरा साल जब हम सोच रहे हैं, सोचने लगे हैं, तो पूरा साल हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को दूर करने का हमें एजेंडा बनाना चाहिए. आने वाले समय का एजेंडा हमारा इस किस्म का होना चाहिए. ऐसी बात कहते हुए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ज्यादा समय दिया. धन्यवाद. हमारी ममता बनर्जी.